हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या इनके मन में कल रात चलता रहा, किस तरह के थॉट्स इनके कल रात रहे, तो ये सब चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसकी अलग गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को उस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आनी आप ही के पास है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से क्यों ना हो, ठीक है। उसके अलग गाइस, देखिए मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, और अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो आपको स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। उसके अलग मेरा कोई और नंबर नहीं है, तो अगर कोई अब मेरे नाम से अपना नंबर प्रोवाइड करा रहा है तो आप कृपया कर वहाँ पे थोड़े से अवेयर रहिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मेरी बस एक ईमेल आईडी है, मैंने अपना कोई भी नंबर उसके अलग नहीं दे रखा है, ठीक है। प्रेजरेंस इंसेंस्ड रिन्यूअल एंड ओवरऑल एनर्जी है वैनिटी। एनर्जी जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे तो डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपके पर्सन के बारे में। जैसे मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म के इंसान है। मतलब एक ऐसा घमंड है इन्हें कि या तो इन्हें अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा घमंड है, या फिर इनके पास इतना पैसा है, इतना औहदा है, जिस चीज़ का इन्हें घमंड है, यानी कि काफ़ी घमंडी किस्म के ये पर्सन तो मुझे दिख रहे हैं। चाहे फिर वो घमंड इनका खूबसूरती को लेकर ही क्यों ना हो, और उसी घमंड की वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करना ही सीखे हैं। इन्होंने बस अपने आप से प्यार कराए, और अपने अलग इनके लिए कोई और प्रायोरिटी कभी रहा ही नहीं। आप भले इनकी लाइफ में आए, लेकिन इस पर्सन को क्योंकि अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार था, इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने आपकी क्वालिटीज़ को या आपका इनके लाइफ में होने के बाद क्या इम्पोर्टेंस होगी, क्या इनकी लाइफ होगी, उस चीज़ को कभी देखा नहीं, या देखकर हमेशा अनदेखा करा। और रीज़न था अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना और अपने आप को ही सुपीरियर मानना, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हों, एज एन कि ये आप पर भरोसा ही नहीं कर पाते हों, क्योंकि इन्हें अपनी ही चीज़ों का घमंड था कि ये जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही सही है, बाकी का तो सब गलत है, तो वो चीज़ें हैं। एनीवेज, सवाल पर आते हैं अब कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे। मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल रात जो इनकी थी ना आदतें, कि दूसरे को कम आँकना, दूसरे की कमियाँ निकालना, या दूसरे के करी कराई चीज़ों को ख़त्म ही कर देना, तो उन चीज़ों को ये पर्सन देख रहे थे। जैसे कि एक होता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के मोड पे रहे, काफ़ी चीज़ों को एसेस करने के मोड पे रहे, जिन चीज़ों को इन्होंने देखा नहीं या अपने घमंड के चक्कर में इग्नोर करा, उन चीज़ों पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस्ड कल रात रहा। और जितना ज़्यादा इनका फोकस्ड रहा, उसमें दिलचस्पी इनकी और ज़्यादा बढ़ती चली गई, एक्सट्रीम लेवल पर वो दिलचस्पी इनकी बढ़ती चली गई। वो ये पर्सन देख रहे थे एक सोलमेट को,
यानी कि ये पर्सन ये चीज़ें कल रात ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये अपनी ज़िंदगी में कैसा हम सफ़र चाहते हैं, कैसा अपनी ज़िंदगी में एक साथी चाहते हैं। क्या आप उस वक्त में इनके लिए परफेक्ट थे जिसे इन्होंने देखा नहीं, देखकर अनदेखा करा? तो ये पर्सन उस चीज़ की रिसर्च में कल रात बहुत ज़्यादा लगे रहे, यानी कि ये पर्सन जितना ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ को देख रहे थे, जिसे कभी एक वक्त पर देखकर अनदेखा करा, उसको तीन तेरा करा, यानी कि कहते हैं ना एक कहावत है तीन तेरा करना, तो जितना ज़्यादा ये पर्सन देख रहे थे उतना ज़्यादा दिलचस्पी, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इस पर्सन की दिलचस्पी आप में बढ़ती चली गई है, ये दिख रहा है। और जितनी ज़्यादा दिलचस्पी इनकी बढ़ रही थी उतना ज़्यादा इस पर्सन को अफसोस हो रहा था, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया, आपकी खूबसूरती को इन्होंने देखा नहीं, आपके भरोसे को इन्होंने देखा नहीं, या आप इनके लिए कितने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे वो चीज़ें इन्होंने खो दी हैं, उन चीज़ों का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कल रात अफसोस रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप से प्यार करने की जगह अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, अपनी सोल को बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, और वो सोल इन्हें बार बार ये चीज़ों का एहसास दिला रही थी कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में कितनी अबेंडेंस थी, कितनी खुशियाँ थी, या कितनी खुशियाँ, कितनी प्रॉस्पेरिटी इन्हें मिल सकती थी। तो उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे थे, वो यहाँ पर है। और इसी दिलचस्पी की वजह से ये आपके साथ इस रिश्ते को, जो भी आप लोगों के बीच में है, चाहे दोस्ती ही हो चाहे मैरिड हो आप लोग, तो उस रिश्ते को ये नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे थे। लेकिन यानी कि एक मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच तो रहे थे, आपकी ज़रूरत भी इन्हें महसूस हो रही थी, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेल्फिश बिहेवियर मुझे इस पर्सन की साइड से दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके होने के बाद इनकी लाइफ में फ़ायदा ही है, अबेंडेंस ही है, नुकसान नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ों के पीछे इनकी सोच भाग रही थी कल रात, ये यहाँ पर है, ठीक है? और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए एसेसिंग के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही है, गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्स, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो, चाहे ये पर्सन छोटे हो या आप इनसे छोटे हो। ये पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, ठीक है? देखिए यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो रही है कि कल रात ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तलाश कर रहे थे, यानी कि देखो सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको खोज रहे थे, वो एनर्जी दिख रही है, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो आजकल, क्या आप कर रहे हो, तो उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस पर्सन को कल रात हो रही थी। पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहे हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी एक्साइटेड हो रही है, जिस रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एज इन कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ ग्रोथ कर रहे हो, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे, और जिस रीज़न की वजह से इन्हें आपका इनकी लाइफ से जाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था, या इन्होंने उस वक्त में आपकी क्वालिटीज़ को जो अब उभर कर आ रही हैं वो दिखाई जो दे रही हैं, उसे उस वक्त में देखा नहीं, उसे देखकर अनदेखा करा, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकी क्यूरियोसिटी आपकी तरफ बढ़ने की, आपसे बात करने की, आपको ढूंढने की कल रात रही है, तो वो एनर्जीज़ है, ठीक है? एक्सट्रीम के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर आया है अवेकनिंग, जो बेसिकली ये चीज़ें बता रहा है, जैसे कि कल रात इस पर्सन की अवेकनिंग उस चीज़ को लेकर हो रही हो, जिस चीज़ को लेकर ये अवेकन होना नहीं चाह रहे थे, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यानी कि जैसे कल रात इस पर्सन को आप में एक यूनिकनेस दिखाई दे रहा हो, वो यूनिकनेस ये था कि आप इनके परफेक्ट हम सफ़र बन सकते हो, या आप इनके परफेक्ट हम सफ़र हो, एक सोलमेट हो, तो ये पर्सन कल रात डेफिनेटली एक एक्सट्रीम लेवल पे एक अवेकनिंग के प्रोसेस पे कल रात रहे हैं, जिसमें
इन्हें ना नई लाइट दिखाई दे रही हैं, खुशियां दिखाई दे रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर इन्हें दिखाई दे रही हैं, वो एनर्जीज रही। जैसे कि अगर ये अब कोई एक्शन लेते हैं तो उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा इनकी ज़िंदगी में, तो उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर है। ये है आपकी पाइसेस की एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर चुके थे, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने एक पॉज का ठप्पा लगा दिया था, यानी कि आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने एक टेम्परेरी पॉज का जो साइन दे दिया था, ये पर्सन उस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में कल रात सोच रहे थे, और वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पर। ये यहाँ पर है, ठीक है। ट्रस्ट के मामले में गाइड कीजिए, बताइए कल रात इनके मन में क्या चलता रहा, गाइड कीजिए बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुलाइन कुंभ राशि, पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत दर्द दिया है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हालातों में इन्होंने लाकर छोड़ दिया है जिसमें आपका हील हो पाना बहुत मुश्किल रहा, और उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको इस चीज़ को लेकर हुई कि इस पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ा, या इस पर्सन ने आपकी आप पर भरोसा नहीं करा, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो, बहुत सफ़र करा है आपने इस चीज़ को लेकर। लेकिन कल रात ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहे कि जो इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, या जिस चीज़ को लेकर इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि कल रात बस इस पर्सन को आप में क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ नज़र आ रही थी, इन्हें आपका इनके लाइफ में होने के बाद क्या फ़ायदा है वो चीज़ें ही नज़र आ रही थी, इसीलिए इस पर्सन को आपके खोने का अफसोस भी हो रहा था। तो थोड़ा बिटर ट्रुथ यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन देखो जो हैं वो हैं, अपने आप से प्यार ये करते हैं, घमंडी किस्म के हैं। कल रात भी आपको जो मिस कर रहे थे, जो आपके मामले में इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए आ रही थी, वो यहाँ पर है। इन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए याद आ रही थी तो वो यहाँ पर है, और इन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस था कि इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में आपको खो दिया है, तो उन चीज़ों का इन्हें अफसोस हो रहा था। जैसे होता है ना कि हाथ में आई खुशियों को खुद से ठोकर मार दी है, तो वो चीज़ें इनके साथ कल रात रही हैं, ठीक है। सेल्फ लव के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में इनके दिल में क्या चलता रहा, गाइड कीजिए बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते रहे, अपने ही ओपिनियन से ये पर्सन कल रात लड़ते रहे, किसी ओपिनियन से जो इनके मन में चीज़ें चल रही थी उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, और किसी ओपिनियन के साथ ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे। अब किस ओपिनियन से ये भागने की कोशिश कर रहे थे, वो ये था कि तुम्हें अपने आप से बहुत प्यार है, और अपने आप से प्यार करने के चक्कर में तुमने अपने फ़ायदे की चीज़ को ही, अपने फ़ायदे के पर्सन को ही अपने आप से दूर कर लिया, और कुछ चीज़ें इस तरह के ओपिनियन इनके चल रहे थे कि अब इन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस ड्रामा को ख़त्म करना चाहिए, और अपने एम्बिशियस को पूरा करने के लिए हर एक उस पर्सन को अपने साथ लेकर आना चाहिए जो इनके लिए स्टैंड ले सके, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनके लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार हो। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि ये आया है, ठीक है। अबेंडेंस के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए और बताइए। इनवर्स द मैजिशियन, एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक सोच है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें, बहुत ज़्यादा सपने इस पर्सन के हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, और कल रात इनके साथ ऐसा हो रहा था कि वो सपने इनके तभी पूरे होंगे जब आप इनके साथ होंगे, जब कोई मैजिक होगा, और वो मैजिक है आप, यानी कि आप एक ऐसे प्योर सोल हो इनकी ज़िंदगी में। अगर वो मैजिक आ जाता है, वो प्योर सोल आ जाती है, तो डेफिनेटली इनकी चीज़ें जो ये
चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं वो उसी वे में होंगी, उसी तरह से नई शुरुआत होगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, या तो आप बहुत ज़्यादा लक्की हो इस पर्सन के लिए, या आप इन्हें पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा मदद करते हो, या फिर आप काफ़ी सपोर्टिव हो, यानी कि जब भी इंसान को ज़रूरत होती है आप केयर करने में, सपोर्ट करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते हो। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे कि इन्हें आपके आने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो इनके साथ कल रात रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बोला कि देखो इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपने मतलब के लिए थी, तो वो चीज़ें हैं। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल रात क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। बिग डिसीज़न मेकिंग, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ये तो इन्हें डेफिनेटली कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बेसिकली टारगेट, गाइड की इच्छा बताइए कल रात भी उसके पसंद की एनर्जीज फीलिंग, सॉरी गाइड की इच्छा बताइए कल रात इनकी क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, क्राइंग, नोटिस, हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, लाइफ चेंज, ओवरऑल एनर्जी आई है। तो देखिए कल रात बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि इस पर्सन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप बने रहे हो, आपको ढूंढते रहे हैं, आपको ही इन्होंने जैसे टारगेट बना रखा हो, आपके हर एक एक्टिविटीज़ पर, हर एक जेस्चर पर ये पर्सन जैसे निगाहें रखना चाह रहे हो, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, किसके साथ हो, कैसे ग्रोथ कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों पर कल रात इस पर्सन का पूरी तरह से नोटिस बना रहा है, यानी कि अब आप इस पर्सन के टारगेट यहाँ पर हो। इनके मन में इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली चल रही थी कि आप इनके परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ बनकर रह सकते हो, या आप इनके परफेक्ट ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके साथ रहकर ज़िंदगी में डेफिनेटली चेंज आएगा, और वो जो चेंज आएगा वो इन्हें अच्छे वक्त की तरफ लेकर जाएगा। आपको सेलेक्ट करना इनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीज़न होगा, और उस डिसीज़न के साथ इन्हें कभी भी कोई गम नहीं मिलेगा या कभी भी पछतावा नहीं होगा, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी कल रात। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी कि अब आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए इन्हें अगर आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़े तो ये माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने एक वक्त पर आप पर भरोसा ना करके, आपके भरोसे को तोड़कर कहीं ना कहीं आपको दिल से रुलाया है, तो उस चीज़ की शायद अब इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पर है। तो देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी तरह का तो फ़ायदा इस पर्सन को आपसे हो रहा था, वो आपको ज़्यादा बेहतर है, या किसी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद इस पर्सन को फ़ायदा तो होगा, ये चीज़ें हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि पहले वो चीज़ें, वो फ़ायदा भी ये देख नहीं रहे थे, देख कर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन कल रात इनके साथ ये हो रहा था, ये उस फ़ायदे की वजह से आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, तो वो इनके साथ कल रात रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी किसी तरह से तो ज़रूरत है, अब आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप किस तरह से इस पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों इन्हें इतनी ज़्यादा आपकी ज़रूरत हो रही है, जिसके लिए माफ़ी तक मांगने के लिए तैयार हैं, और इस वक्त में आप ही इनके टारगेट बने हुए हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरह से आप इनके फ़ायदे में हो। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्योंकि ये पर्सन देखो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कल रात अपनी लाइफ में वापस से लेकर आने के लिए सोच रहे थे, तो क्या आपको इनकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि इनके इस सोच के साथ आपको बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द टावर
एंड ओवरऑल एनर्जी है द सन। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने आपकी दुनिया को पूरी तरह से बिखेर दिया, या आपकी जो भी सपने थे, आप जो इस पर्सन के साथ एक परिवार देखना चाह रहे थे, उस सपने को इस पर्सन ने डेफिनेटली तोड़ा है। किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न डेफिनेटली यहाँ पर लिया है, या अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने आपसे दूर जाने का डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा लिया है। लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है अगर अब शुरुआत आपके पर्सन खुद से करते हैं आपकी तरफ बढ़ने की, तो आपको डेफिनेटली इन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि आपको अपने घर आती हुई खुशियों को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पास्ट के एक्सपीरियंस को भी अब आपको भूलना नहीं होगा, पास्ट के एक्सपीरियंस को आपको हमेशा याद करे रखना होगा, और उसी के बेसिस पर आपको अपने आगे के जो भी फैसले हैं उन्हें लेना होगा। एज एन कि अब आपको कोई भी चीज़ें आंख बंद करके इस पर्सन पे भरोसा नहीं करनी है, आपको हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर पूरी कैलकुलेशन के बाद ही डिसीजंस लेने होंगे। अब आपको इस पर्सन की को अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरा हक नहीं देना होगा, ये बोला जा रहा है। यानी कि देखो अगर कोई इंसान भूला बिसरा, अगर कोई इंसान रास्ता भटक गया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसे सही रास्ता दिखाने का। और अगर उस पर्सन को रास्ता वो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, तो उस मौके को आपको ग्रैब ज़रूर कर लेना चाहिए। पता नहीं कल को वो मौका आपको भी ना मिले। तो इसीलिए बोला जा रहा है अगर अब ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, भले कहीं ना कहीं इंटेंशन इनका है, लेकिन आपने तो इनसे दिल से प्यार करा है, आप तो कहीं ना कहीं इनके साथ रहना चाहते हो, परिवार देखते हो, तो उस बेसिस पर आपको इनके साथ चले जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। बस पास्ट के एक्सपीरियंस को, पास्ट के टावर मोमेंट को भूलना नहीं है, बुरे वक्त को भूलना नहीं है, क्योंकि वही बुरा वक्त आपको मैच्योर बनाएगा, वही बुरा वक्त आपको डिसीजंस लेने के लिए मजबूत बनाएगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। कल रात डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको ढूंढ रहे थे, ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग की कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को सिर्फ रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।